हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट लोकोमोशन एंड मूवमेंट लोकोमोशन एंड मूवमेंट अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ओके, बोथ वर्ड आर सेपरेट बट स्टडी इन नॉट सेपरेट, ओके, दोनों वर्ड अलग अलग लगते जरूर हैं, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तो दोनों वर्ड एक कभी भी अलग नहीं होते। लोकोमोशन मूवमेंट्स, लोकोमोशन मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, ओके, और मूवमेंट का मतलब होता है नो डिस्प्लेसमेंट्स, ओके। लोकोमोशन मतलब होता है हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं लोकोमोशन। और मूवमेंट मतलब रोटेट कर रहे हैं, एक ही जगह पर है, नो चेंज, अपने रोटेट कर रहे हैं, अपने आप को हिला डुला रहे हैं, नो चेंज, दीज आर मूवमेंट्स, ओके। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांट केस में ओनली मूवमेंट्स होता है। प्लांट के केस में क्या होता है? मूवमेंट्स, कि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लांट एक ही जगह पर स्थायी होता है और उसमें बदलाव नहीं आता। तो आप देखते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ओके, मीन्स चेंज पोस्चर, ओके, चेंज, चेंज फ्रॉम, चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस, ओके। लोकोमोशन ओनली ऑकर्स, ओनली ऑकर्स इन एनिमल्स, ओके। लोकोमोशन रहता है जनरली किस में रहता है? एनिमल्स में होते हैं, ओके। अगर हम बात करें मूवमेंट्स, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, ओके, नो चेंज प्लेस, नो चेंज प्लेस, ओके, मूवमेंट्स, मूवमेंट जो होता है प्लांट एनिमल बोथ आर, ओके, मूवमेंट्स इट ऑकर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन मतलब होता है चेंज। जैसे एनिमल्स हैं, फूड की रिक्वायरमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट, अगर जो इनकी ज़रूरत होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, इन सभी चीज़ों के कारण वो अपना जगह बदल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। अगर एनिमल एक ही जगह पर है, अपने आप को रोटेट कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो भी एनिमल्स में होते हैं। बट प्लांट, प्लांट के केस में नो डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज, ओके, और ये एक ही जगह पर होके अपने आप को मूवमेंट करते हैं, ओके। बोथ वर्ड आर सेपरेट बट स्टडीज, हम स्टडी यूनाइट करके करते हैं,
ओके अगर हम देखें, अगर हम पूरी बात करें तो लोकोमोशन लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोथ वर्ड्स आर सेपरेट बट नॉट सेपरेट स्टडी ओके दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ आर वर्ड इज सेपरेट बट नॉट स्टडी सेपरेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके अगर हम बात करते हैं तो मूमेंट्स आर जनरली लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स ब्रिंग अबाउट आर लोकोमोशन अगर हम बात करें दीज आर ब्रिंग अबाउट या बोल सकते हैं लोकोमोशन लोकोमोशन एंड मूमेंट लोकोमोशन एंड मूमेंट्स आर ब्रिंग अबाउट बाय मसल्स ओके मसल्स स्केलेटल सिस्टम और थ्री पॉइंट्स जो रहता है थर्ड पॉइंट्स जॉइंट्स ओके दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है दैट ब्रिंग अबाउट मसल्स स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स ओके अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट्स अगर हम देखा जाए ओके मूवमेंट्स आर थ्री टाइप्स अगर आप देखते हैं ओके अमीबॉइड मूवमेंट ओके फर्स्ट सेकंड अमीबॉइड मूवमेंट्स ओके सिलियरी मूवमेंट्स और थर्ड अगर हम थर्ड बात करें तो दीज आर मस्कुलर मूवमेंट्स मस्कुलर मूवमेंट्स ओके अगर हम बात करें तो अमीबॉइड मूवमेंट जनरली जैसे अमीबा लाइक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स ओके सिलियरी मूवमेंट वास्ट डिफरेंस एंड फिलेपियन ट्यूब्स में जो स्पर्म ओवम या जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट्स और मस्कुलर मूवमेंट के कारण ही बोथ आर ऑकर्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोथ ऑकर्स मस्कुलर मूवमेंट इसमें स्केलेटल और मसल बोथ आर इन्वॉल्व तो हम इसको क्या बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स फिर से एक बार अमीबा लाइक मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स ओके सिलियरी मूवमेंट्स अपने ओवम जो होते हैं अगर हम देखेंगे फिलिपियन ट्यूब्स में जो सिलियरी मूवमेंट्स होता है उसी को बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट्स
और मस्कुलर मूवमेंट्स का मतलब होता है जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, जिसमें स्केलेटल के साथ बोन के साथ साथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर मस्कुलर मूवमेंट्स। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक हायर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि हमारा जो मूवमेंट्स है और जो प्लेस डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमारे लिए मसल्स और बोन बोथ आर इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो लोकोमोशन के साथ साथ मूवमेंट्स भी होते हैं। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं कि लोकोमोशन मूवमेंट के लिए हमारे पास, अगर लोकोमोशन मूवमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मसल्स को जानना।